है आप? अरे आप लोग आ जाओ भाई, क्या घटना हुई है? पता नहीं क्या हुआ है, रात में हम सो रहे थे, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सुबह 5 बजे सूचना दी थी किसी को? सूचना दी थी नहीं किसी को नहीं, सुबह में पता था। कैसे जानकारी हुई? सुबह जब सो के उठे तब देखे उसको, खटिया पे नहीं था तब, उसके बाद पलियम देखे, पलियम नहीं था तब, उसके बाद देखे तो इधर आए दोबारे, बोले कि हम कहीं बच्चा को पता नहीं, इनका ये अस्पताल ले गए गंज, तू आ जा, तू हम जब आते दिन कहीं बच्चा नहीं है, पहले सुबह में बच्चा को वहाँ लेके गए पता चोटिल था क्या? चोट लगने लगी है, पैर टूटा हुआ है। किसी पर शंका है क्या आपको? देवर के ऊपर शंका है, वही बड़ा लड़का को जो ना गटी दबाया था, और अब छोटा वाला को रात भर पहले चक्कर काटा था, सारी रात। आज प्रशासन आया था? हाँ आज रात में जो ना चक्कर काट रहा था। पुलिस प्रशासन आया था? कोई विवाद हुआ था क्या? नहीं कुछ नहीं विवाद हुआ है, किसी बात को लेकर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ना झगड़ा ना लड़ाई, कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? पूनम नाम है। पति का नाम? सुमित नाम। मैं ग्राम प्रधान पद का पति हूँ। क्या घटना घटी है इसका? घटना ये कि इसका जो बेवर है अधिविकसित टाइप का है, 2 साल 1.5 साल से, और आज रात में ये बच्चा इसके पास सो रहा था, और शायद ये जैसा बता रहे कि छोटे में 4 बजे करीब उठा ले गया, उठा करके इसको पीट पाट के जान से मार दिया। कौन उठा ले गया? इसका देवर जो है सुमित। क्या नाम है देवर? इसका नाम, क्या नाम है इसका? अरे इसी का अनुज। घर के लोगों ने पहले 112 में सूचना दी, फिर बाद में मुझे सूचना हुई तो मैं भी गया। कौन कौन सी टीम आई थी यहाँ पे? यहाँ पे थाना अध्यक्ष महोदय और SP महोदय और फील्ड यूनिट आई थी। इसके पहले भी कोई घटना ये कर चुका है क्या? नहीं इसके पहले तो ऐसी कोई घटना मेरी जानकारी नहीं। सर एक बच्चे की हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? ये थाना गुरुबख्श गंज क्षेत्र का ये चंदवल गांव है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ एक 3 वर्षीय बालक की हत्या की सूचना मिली थी। जो बालक के शरीर पे जो जाहिरा चोट है उससे प्रतीत हुआ है कि फिजिकली किसी ने उसको अपने शरीर से चोट पहुँचा करके उसकी हत्या की गई है, और पूरी जो प्रथम दृष्टया जो हमारी तफ्तीश है उसमें यह है कि उसका सगा चाचा जो है 26 वर्षीय अजय है, वो मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब है और विक्षिप्त, जैसा आपकी लोग बता रहे हैं इन्होंने ये की है, और इनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इनसे डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं, और आगे इसकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो जांच में है उसमें यही है कि इसका जो विक्षिप्त चाचा है उसी ने हत्या की है, पहले भी वो बच्चों को मारता पीटता या लड़ाई झगड़ा करता रहा है, और इसकी और भी आगे हम जांच कर रहे हैं। सर हत्यारे चाचा की गिरफ्तारी हो पाई? हाँ इनको हम लोगों ने पकड़ रखा है, हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि इनसे पूछताछ की, हालांकि मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने के कारण बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इनसे पूछताछ में पूरी घटना का के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।